तुम अगर आगे बढ़ोगे तो लोग पीछे खींचेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा मर्जी सोचो तुम, लेकिन ये होगा। और डरना नहीं, मैं देखता हूँ भैया कई सारे लोग जो अभी जैसे खास तौर पे अब तो कोटा का तो नाम ही हो गया भैया सुसाइड सिटी, ठीक है, बहुत सारे केसेस हो गए। और इससे अपने को क्या होगा, ना तो लोग तुमको बुरा बोलना बंद करने वाले, बोलना बुरा बंद कर देंगे क्या तुमको, पेरेंट्स भी बोलेंगे, रिलेटिव्स भी बोलेंगे, सिलेक्शन होगा तो जितना मीठा बनेंगे, सिलेक्शन नहीं होने पर उतना ही कड़वा भी बनेंगे। वो एक अलग बात हो सकती है कि तुम्हारे मुंह पर उतने कड़वे नहीं बने, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कड़वे बने, और बनना भी चाहिए, क्योंकि जब जब आप में वो खुन्नस आती है, जब जब आप में वो गुस्सा आता है ना, तब तब आप आगे बढ़ते हो। मैं तो साक्षात उदाहरण उसका यार भी है। मेरे को तो जब जब मालूम पड़ा है कि हाँ यार, जब यू कांट डू दिस देन आई, मतलब वो आप उसको तुम जो मर्जी बोल दो, उसको आप चैलेंज के रूप में ले लो या आप उसको मोटिवेशन के रूप में ले लो या वट एवर, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और लोग बोलेंगे, लोग राम जी भगवान को नहीं छोड़ते, आज भी नहीं छोड़ते, लोग सीता माता को नहीं छोड़ते, उनमें 50 दोष निकाल देंगे। तो तुम्हारी मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है अपनी बेटा, समझे कि नहीं समझे। इंडिया कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, वही रोहित शर्मा अच्छा खेले तो रोहित शर्मा अरे बेस्ट बैट्समैन है भैया दुनिया का, 3-3 डबल सेंचुरी मारी है वनडे क्रिकेट में यार उसने फिर, और वही तो अब तो भैया रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए। और धोनी का कोटेशन याद आता है, धोनी की टीम, धोनी के टाइम पर, आज धोनी सबको बहुत अच्छा लगेगा, धोनी ने वर्ल्ड कप जिता, धोनी ने ये करा, धोनी ने वो करा, रोहित शर्मा को देखो, विराट कोहली को देखो, दे आर नॉट गुड कीपर्स बट धोनी वाज, पर धोनी के बैटिंग के, धोनी की कैप्टनशिप के दौरान भी तो इंडिया बहुत बुरी बुरी तरीके से हारी है, पाकिस्तान ने ऐसा बुरा निपटाया था इंडिया को कि जिसकी कोई हद नहीं। इंडिया में आई 2 मैच बुरी तरीके से हारे और तीसरा मैच हम बिल्कुल हार, मतलब वो तो और ज़्यादा बुरी तरीके से हारे, लेकिन इट वॉज द कैप्टन, मतलब मुझे जितना मेरे को क्रिकेट को मैंने फॉलो किया है, मुझे याद नहीं आता कि कोई कैप्टन को, बहुत से मौके रहे होंगे, मेरे रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है याद करने वाले, लेकिन धोनी को उस समय तीसरे मैच में बिकॉज ऑफ कैप्टनशिप मैन ऑफ द मैच मिला था, क्योंकि इंडिया लगभग हार गई थी, जस्ट उसकी कैप्टनशिप के कारण इंडिया जीती, बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया कैप्टनशिप के कारण ही जीती थी उसके, तुम्हें ध्यान हो तो। जैसे मौके रहे पर धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारी है। हमें क्या होता है वो क्योंकि जब वो कोई चला जाता है ना तब उसकी याद आती है, जब सामने है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, ये प्रैक्टिकल है। तो उस समय धोनी की कैप्टनशिप में बहुत बार हुआ बुरी तरीके से हारे हम, अच्छा खासा, गांगुली की कैप्टनशिप में बहुत अच्छे से हारे, लेकिन धोनी को भी जो टीम मिली थी पहले वो गांगुली से मिली थी, गांगुली बहुत रिजिड प्लेयर था, बहुत एडमेंट रहता था अपने डिसीजंस को लेकर, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं जो आएगा मन में वो बोलेगा, वो मतलब वो डरने चपने वाला, और जो कैप्टन होते ना वो कैप्टन ऐसे ही होने चाहिए, कैप्टन वैसे हो भी नहीं सकते कि आप बिल्कुल सबको खुश करने लग जाओ, आप सबको खुश कर भी नहीं सकते आप।